हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ में जो गेट पे चर्चा में मिलवाने वाला हूँ, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हमारे गेट एकेडमी की HOD है और पूरे इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट लोगों के फेवरेट है, तो मुकेश शर्मा सर से मैं आज सभी लोगों को मिलवाना चाहता हूँ और हम बात करेंगे गेट से रिलेटेड। आपका जो प्रिपरेशन मोड है उस पर बात करेंगे, कुछ पर्सनल भी बात करेंगे जो आप लोगों को आइडिया नहीं होगा। आप भी जानना चाहोगे कि मुकेश सर के बारे में कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो इन जनरल आपको YouTube में नहीं देखने को मिलती होगी, तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा आपके साइड से कुछ क्वेश्चन पूछूँगा, ठीक है। हाँ, तो मुकेश सर आप ये बताइए कि आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और मैं को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है कि बहुत कम ऐसे टीचर है जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट इतने सारे पढ़ाते हैं। जैसे मेरे को पता है आप SOM पढ़ाते हो, आप FM पढ़ाते हो, प्रोडक्शन पढ़ाते हो, इंडस्ट्रियल पढ़ाते हो, तो इतने सारे सब्जेक्ट आप डील करते हो, तो टॉम भी पढ़ाते हो आप, तो आपका इन सब सब्जेक्ट में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि ऐसा सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट हो और ऐसा सब्जेक्ट जो स्टूडेंट लोग मानते हैं कि आप सबसे अच्छा पढ़ाते हो। देखिए सर, मेरा फेवरेट तो जो है वो बताऊंगा, पहले मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। जैसे कि अगर और बात ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अच्छा पढ़ाता हूँ, बाकी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जो डिलीवरी वाला पार्ट है, जो सीधा मैं बोलूँ उनके दिमाग में सीधे आके बैठे, तो इंडस्ट्रियल वाला सब्जेक्ट होगा। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है, वो डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा, बिकॉज कॉलेज में अच्छे से पढ़े हुए नहीं रहते हैं, फर्स्ट टाइम आके कोचिंग में समझ में आता है उनको, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी उसका बन जाता है, लेंदी हो जाता है कई बार, 20 मिनट में क्वेश्चन बना रहे हैं लोग, हम लोग कोशिश करते हैं 20 सेकंड में उसको बनाया जाए। तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मैं समझा दिया तो वो फाइनल है, उसके बाद किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वाला पार्ट। मेरा जो प्लस वाला पार्ट है, मेरे को सबसे अच्छा लगता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और उसके बाद मुझे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, इसका मतलब है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मानते हो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग उनके लेने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है, और आपका जो फेवरेट जो सब्जेक्ट है, जैसे आप मानते हो कि SOM जिसको आप फेवरेट सब्जेक्ट मानते हो, उसको मैं बेस्ट मानता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट उसको डिलीवर, अच्छा उसमें डिलीवर करते हो। मैं ये बताऊँ कि जैसे कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं पूरे इंडिया में, प्रोफेशनल टीचर एक्चुअली, जो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट डील करते हैं, और बहुत सारे लोग तो एक ही सब्जेक्ट डील करते हैं, तो हम जब इतने सारे सब्जेक्ट डील करते हैं तो कुछ डिफिकल्टी फेस करते हो कि इतने सारे सब्जेक्ट डील करते हो, तो एक गुड माइंड सेटअप चाहिए रहता है, क्योंकि जो एक सब्जेक्ट जो कोई डील करता है तो पूरे साल भर में एक एक सब्जेक्ट पढ़ाता रहता है, तो बड़ा कंफर्टेबल रहता है, सेम चीज़ बोलना है, सेम चीज़ जाना है। लेकिन जब नंबर ऑफ सब्जेक्ट किसी के पास जाते हैं तो मेरे को लगता है कि उस टीचर का माइंड सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट होता होगा बाकी लोगों से, तो कभी कभी डिफिकल्टी फेस करते हैं इसमें। हाँ सर, देखिए होता क्या है, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि एक ही बार सभी चीज़ को रिकॉल कर पाना कई बार टेंशन होता है, तो जब क्लास लेना होता है तो कई बार हम लोग भी क्या करते हैं, तैयारी करते हैं प्रिपेयर, और मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा तैयार करके जाऊँ, प्रिपेयर करके जाऊँ, भले वो 10 मिनट का तैयारी हो, ताकि मेरे स्टूडेंट को ना नेक्स्ट बैच वाले को प्रीवियस बैच से कुछ 5% 2% एक्स्ट्रा मिले, अच्छा मिले। तो दूसरा जो होता है ना, मैं एकदम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूँ, ऐसा नहीं सोचता हूँ कि किसी बुक में अगर इतने सारे टॉपिक्स हैं तो मुझे सभी पढ़ा देना है, यानी जितना है सिलेबस में उतना पढ़ाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाना है, इसका केयर करता हूँ। तो सिलेक्टेड टॉपिक रहते हैं जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हो और उनको बहुत ही अच्छे से डील करना है। अच्छा, ओके, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि इतने सालों से आप पढ़ा रहे हो और आपको इतने सालों से एक्सपीरियंस है, और मैं अगर बता दूं तो सर IIT खड़गपुर से MTech कंप्लीट की है, और एक और इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है कि सर का जो बी है वो कॉलेज जो है वो मेरा और सर का सेम है, शंकराचार्य कॉलेज से हम लोग बी की है, तो कॉलेज जो BTech है हम लोगों जो बी वाला पार्ट है वो सेम है। MTech सर IIT खड़गपुर से किए हो आप, तो जैसे अब MTech करने के बाद अब आप इतने सारे अलग अलग जगह पे आप पढ़ाए हो, बहुत आप इतने सालों से पढ़ा ही रहे हो, और फिर जब गेट एकेडमी आप ज्वाइन किए हो, तो क्या आप डिफरेंस फील करते हो कि इतने इंडिया के इतने डिफरेंट इंस्टीट्यूट, बिग इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हो, ठीक है नाम अपन नहीं लेते, लेकिन फिर जब आप गेट एकेडमी ज्वाइन किए हो तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है कि गेट एकेडमी में जो हम पढ़ाते हैं और जो इतने सारे इंस्टीट्यूट लोग जो प्लान करते हैं, उसकी प्लानिंग में आप क्या डिफरेंस पाते हो? सर, प्लानिंग में सिर्फ मैं एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस पाया हूँ, बाकी इंस्टीट्यूट में बहुत जगह पढ़ाया, जैसे आप बोले ना इतने सारे सब्जेक्ट को हैंडल करना, तो हो सकता है कि कोई अगर एक ही स्टूडेंट पढ़ाया तो एक ही बार पढ़ाने का मौका मिलता हो साल भर में 2 बार, मैं एक ही सब्जेक्ट को 10 बार पढ़ा देता था साल भर में, वैसा रहता था। तो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे जो देखने को मिला बाकी इंस्टीट्यूट में और गेट एकेडमी में, हम लोग यहाँ मैंने स्टूडेंट का केयर करते हैं, हम लोग मतलब ये चीज़ मैं आपसे सिखाऊँ कि ऐसा नहीं, जैसे पहले अगर मैं किसी कोचिंग स्टूडेंट पढ़ाता था तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट अभी सुन भी रहे होंगे तो देखेंगे कि जैसे ही मेरा क्लास कंप्लीट हुआ तो उसके बाद सीधा मेरी फ्लाइट होती थी, उसके बाद सीधा कहीं पे, तो मैं शायद ही किसी का डाउट लूँ, मैं शायद ही किसी का केयर करूँ,
कि स्टूडेंट मेरे से आके पूछ रहा है, मेरे से मिल रहा है, तो मैं उसको 5 मिनट क्या बात कर लूँ उससे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता था बिकॉज मैनेजमेंट का वैसा रूल नहीं होता था, वैसा उनका शेड्यूलिंग होता था, वैसा उनका केयर करने वाला पार्ट नहीं होता था। बट जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैं आपसे सीखा हूँ कि इतना बिजी होने के बाद भी आप क्लास से निकलते हैं, स्टूडेंट्स का केयर करते हैं, क्लास से जाने से पहले प्लानिंग होती है कि वर्कबुक कैसा होगा, कैसे उनको कन्वीनियंट होगा, कैसे वो जा, यानी कुल मिला के देखा जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एज ए टीचर हम लोग बिहेव करते थे, और यहाँ पे ऐसा होता फुल केयर के साथ, यानी सिर्फ पढ़ाना नहीं है, अच्छे से केयर भी करना, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि सब स्टूडेंट एक टाइप के नहीं होते। कुछ स्टूडेंट लोग को क्लास में क्लियर हो जाता है, जो कभी डाउट पूछने भी नहीं आते। कुछ स्टूडेंट लोग को ज़्यादा केयर की नीड होती है, क्योंकि वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, तो कुछ स्टूडेंट लोग को डिफरेंट एंगल में केयर करना पड़ता है। कई बार पर्सनल केयर करके जब उनको बताया जाता है तो उनको कई बार चीज़ें उस समय में क्लियर होती है। तो और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते, मेरा मानना है कि जो क्लास में कभी भी डाउट नहीं पूछते, उनको डाउट आता है लेकिन वो लोग पूछते नहीं, मतलब बाकी लोगों को देख के नहीं पूछते, तो वो लोग हमेशा सर्च करते रहते हैं कि एक टीचर अगर थोड़ा सा कंफर्ट जोन देगा तो हो सकता है अपने कुछ डाउट क्लियर कर ले। कई बार तो मेरे को लगता है कि वो लोग डरे रहते हैं कि ये डाउट वैलिड डाउट है कि नहीं है। हाँ, exactly. तो टीचर के कंफर्ट पे डिपेंड करता है कि एक वैलिड डाउट ना भी हो। मेरा ऐसा मानना है कि एक स्टूडेंट ही तो है, एक डाउट वैलिड और नॉट वैलिड क्या होता है, मतलब किसी को कुछ भी डाउट आ सकता है। तो एक टीचर अगर कंफर्ट देगा तो वो किसी भी टाइप का डाउट पूछ सकता है। तो पहले हम लोग वैसे ही करते थे, जो टॉपर स्टूडेंट बैठे 8-10-20 200-250 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से अगर 20 या 30 लोग टॉपर टाइप के आगे बैठे हैं, वो सेटिस्फाइड है, उनको समझ आ गया ना, उसके बाद आगे रिपीट नहीं करते, अगले टॉपिक पे चले गए फास्ट। उससे मतलब नहीं कि पीछे वाले को समझ आया या फिर नहीं आया, थोड़ा फास्ट चले गए, क्योंकि मुझे पता है कि रैंकर यही है, रैंक लेके आएंगे, इंस्टीट्यूट वाला इन्हीं की केयर कर रहा है, इन्हीं से खुश है। अगर कोई पीछे बैठा हुआ बच्चा अगर कंप्लेन भी करे जाके कि मेरे को तो समझ ही नहीं आया, या सर तो मैं सर से मिलने गया 2 मिनट, तो सर बोल दिए भाई मेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ करके, फिर बात कभी आता ही नहीं करके, इस टाइप का, तो इंस्टीट्यूट वाले कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से अगर कोई स्टूडेंट आके आपसे अगर मिल ले एक बार कि सर मैं तो सर से मिलने गया, सर बोल दिए टाइम ही नहीं करके, हाँ, तो ये मैं कंसिडर नहीं करता, तो आप एक बार जरूर बोलिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, कई बार डाउट बताने का मतलब नहीं कि वो बच्चा टॉप कर लेगा, लेकिन उसका कंफर्ट जोन अच्छा होगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मुझे सबसे अच्छा यही चीज़ आपका लगा कि आप ना, मतलब जो लोअर स्टूडेंट हैं जो अच्छा कर सकते हैं, शायद अगर अच्छा उनको गाइडेंस मिले, अगर वो खुल के पूछें और समझें, तो उनके ऊपर भी आप केयर करते हैं। ये पहले मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता था इस चीज़ का केयर, बहुत ज़्यादा मतलब टॉपर अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बाकी के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं उस टाइप का नहीं। मेरा हमेशा से ना, जो एकदम एवरेज स्टूडेंट है ना, मैं उन लोगों की फीलिंग बहुत जानता हूँ, तो मैं ये फील करता हूँ कि वो लोग क्लास में बैठे बैठे क्या सोच रहे होंगे। जब कोई आंसर दे रहा होगा और उनका तो आंसर नहीं आ रहा होगा, तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे। तो फिर धीरे धीरे मैं इस पर काम किया कि उन लोगों की फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोग हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वैसे वाले बहुत सारे लोग हैं, और हम लोग हमेशा ना मैक्सिमम लोग, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था अपना, जब 12 के बाद मैं पीटी की कोचिंग किया, तो मैं देखता था कि टीचर लोग हमेशा जो 10-15 लोग आंसर देते थे उन्हीं पे फोकस करते थे, और पूरी पब्लिक को ऐसे छोड़ देते थे कि ठीक है, मतलब आप लोग पूछते भी नहीं हो और वैसे भी कुछ करने वाले भी नहीं हो, तो यही लोग इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा फील करता था कि मैं उस कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ जहाँ पर टीचर केयर नहीं करता। तो जब मैं टीचर बना तो मैं इस चीज़ पे फोकस किया कि नहीं, मैं उन स्टूडेंट का केयर करूंगा। उनका रैंक हो सकता है कि बहुत बेहतरीन ना है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस, लाइफ में जो कॉन्फिडेंस मिलेगा उसके लिए तो काम होना चाहिए। सर, एक और चीज़ मैं पूछता हूँ कि जैसे आप पहले इतनी जगह से पढ़ाते थे, तो आप लोग जैसे इंडिया में इतनी जगह, सब जगह जो लोग क्लास लेते हो, नंबर आप आर्ट्स बहुत कम पढ़ाते, बहुत कम आर्ट्स में, मॉस 35 आर्ट्स में कोई ख़त्म कर देता है, ऐसा मैं सुनता हूँ जब बाहर के फ्रीलांसर लोग बात करते हैं, FM ख़त्म कर दे रहे, 40 आर्ट्स में ख़त्म कर दे रहे, और हम लोग तो इतना कुछ कंडीशन रखते नहीं है जब तक एक स्टूडेंट सेटिस्फाइड ना हो। तो उस समय में कैसे जस्टिफाई कैसे करते होंगे कि पूरे स्टूडेंट लोगों को कवर कैसे करते होंगे इतने कम आर्ट्स में? फैकल्टी पूरा पढ़ाएगा, लेकिन ना थोड़ा फास्ट में जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा कम कर देंगे, क्वेश्चंस को कम कर देंगे तो क्या है ना, जो टॉपर स्टूडेंट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो तो घर जाके प्रैक्टिस कर लेगा, घर जाके प्रैक्टिस कर लेगा अपना, उसको थ्योरी बता दिए, एक क्वेश्चन करा दिए, फिर अगला टॉपिक हो गया, इस टाइप का। लेकिन जो बाकी के जो 70% स्टूडेंट है 30% को छोड़ के, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो वो भी चल जाता है, इट्स ओके, ऐसा नहीं कि कोई सिलेबस को कुछ बोलता भी नहीं है, टॉपिक मेरे को लगता है टॉपिक कवर करवा लेते हैं, टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। पूरे इंडिया में ऐसा होता है कि जो लोग कम आवर देते हैं, हाँ, कुछ जगह ऐसा है कि कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि टॉपिक ही पूरा कवर नहीं करोगे तो चलेगा, मैनेजमेंट का ही ऐसा डिसीजन रहता है, चलेगा, आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपका नाम है, बच्चे आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, आप बस पढ़ा के निकल जाओ, ठीक है, दो टॉपिक छोड़ दिए, ठीक है, वैसा रहता। लेकिन वैसे में अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता, गुड फील नहीं होता होगा, गुड फील नहीं होता, बस एक काम किए और निकले ऐसा हो जाता होगा। गुड फील तब होता है जब पूरा पढ़ाया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए, और उस दिन फील हो, उस दिन रात को पढ़ाने के बाद भी ऐसा फील हो, भाई आज मैं जो पढ़ाया ना भाई
मजा आ गया होगा बच्चों को, बस ये वाली फीलिंग जो है ना वो मजा आता है, बस अदरवाइज फिर ऐसा है कि बस पैसे कमाने घंटे के हिसाब से 2,000-2,500-3,000 रुपए और आज पढ़ा लिया 10 घंटे भाई, आज पैसे बन गए, इतने पैसे बन गए, बन गए महीने के लाख रुपए बन गए खत्म, फिर वो फील खत्म हो जाता है। ठीक है सर, मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अगर मैं रखूं कि एक मैकेनिकल का एक स्टूडेंट है और उसका भी 2020 में एग्जाम है और वो अपनी प्रिपरेशन कर ही रहा होगा, तो उसको अपनी प्रिपरेशन में किन सब्जेक्ट पे एकदम फोकस करना चाहिए कि उसका वो अच्छा स्कोर कर सके, क्योंकि मैकेनिकल में नंबर ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा लाना जरूरी होता है अगर पीएसयू चाहिए या आईआईटी में टॉप ब्रांच चाहिए, तो एक स्टूडेंट को मैकेनिकल में किन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना चाहिए? देखिए अगर पीएसयू में जाना है तो मैकेनिकल मुझे लगता है कि मिनिमम 80 या 82 प्लस मार्क्स चाहिए चाहिए मिनिमम, क्योंकि टॉपर 90 प्लस में आ जाता है तो बहुत अच्छा मार्क्स चाहिए होगा, और उसके लिए सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करना चाहिए, लेकिन जो रैंक डिसाइडिंग वाले जो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि आप देखेंगे सॉम सभी से बनता है, ईजी सब्जेक्ट है, एफएम नॉर्मली सब बना लेते हैं, एफएम थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा टफ जाता है सॉम से, लेकिन लोग बना लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स सभी से बनता है, जो अच्छे सब्जेक्ट जिसको रैंक डिसाइड कर देगा उसके बारे में बात करेंगे, तो जैसे आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, भले वो 2 या 3 ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर नहीं बना बाकी लोगों से और आपसे बन गया तो वो आपका 2 या 4 नंबर ऐप का ऐड कर देगा टॉपर टॉपर में, यानी दो फ्रेंड थे दोनों टॉपर थे, वो 4 नंबर पीछे चलेगा, ये 4 नंबर आगे चलेगा। फिर उसके बाद प्रोडक्शन भी ऐसा ही है, हाईएस्ट वेटेज है, उसमें भी कुछ टॉपिक डिफिकल्ट है, थोड़े अच्छे टॉपिक है उसमें, जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग का क्वेश्चन अगर आ गया कुछ इस टाइप का, टू लाइफ का बहुत अच्छा ही क्वेश्चन आ गया, तो वैसे कंडीशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो उतना बेस्ट वे में कवर नहीं कर पाया उसको, ओके जो कवर कर लिया आगे चला गया। टॉम हो गया सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, टॉम सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, टॉम क्या टफ भी है क्या टॉम पढ़ना? टॉम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ होता है, मैं अगर मानूँ तो पूरे इंडिया में, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे इंडिया में, अगर किसी भी चाहे नॉर्थ हो साउथ हो कहीं पे भी आप बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है टॉम को लोग सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं स्टूडेंट लोग, अंडरस्टैंडिंग जल्दी होता है, समझ जल्दी नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे फैकल्टीज अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत टाइम देके पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं, ईजी हो जाता है सब्जेक्ट, लेकिन 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो टॉम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्कोर बहुत अच्छा है, और अगर हम पीएसयू में, अगर हम चाहते हैं कि पीएसयू में एडमिशन ले, ठीक है। और भी अगर मैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात रखूं कि अभी एक मैकेनिकल स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज को कितने अच्छे से इंगेज करना चाहिए लास्ट लास्ट मोमेंट पे, कितने अच्छे से कि वो अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सके, नंबर ऑफ टेस्ट कितना देना चाहिए एक मैकेनिकल स्टूडेंट को, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू सर, जैसे इंस्टीट्यूट वाले 60 टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग 60-70 के बीच में टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो टेस्ट तो सारे टेस्ट लेने चाहिए उनको, सभी टेस्ट लेने चाहिए, और इनफैक्ट सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट के क्यों, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट में अगर मान लीजिए अगर कोई टेस्ट सीरीज अगर मान लीजिए क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो क्रिएटर है जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बना रहे हैं उनका अगर ये वाला पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, एक जोन अगर स्ट्रॉन्ग है मान लीजिए उनका थर्मल जोन स्ट्रॉन्ग है, तो थर्मल के बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी हो सकता है 2 जोन उनके नहीं हो, डिज़ाइन वाला प्रोडक्शन वाला नहीं हो जोन अच्छा, तो उनके क्वेश्चन एवरेज बनाएंगे, लेकिन 2 इंस्टीट्यूट ले लिए हैं हम लोग, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा अगर इसका कुछ स्ट्रॉन्ग है उसका कुछ स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलेंगे, तो अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन देना है और क्वेश्चन देने के बाद अपने आप को ना डे बाय डे इंप्रूव करना है, मेरे ख्याल से एनालिसिस वाला पार्ट होना है, एनालिसिस करो, टेस्ट दो, तुरंत कम से कम ना ये लिख के रख लो कि इस टेस्ट में मैं कहाँ पे वीक था, अगर डिफ्लेक्शन क्वेश्चन नहीं बना तो डिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम है, थर्मो में कुछ नहीं बना इंट्रॉपी प्रॉब्लम, लिख के रखो, भले उसको आज नहीं 10 दिन बाद क्लियर कर लेंगे, लेकिन एनालिसिस वाला पार्ट गुड तुरंत कर लेना। एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी रहता है कि हम टेस्ट देना चालू करते हैं और टेस्ट में मार्क्स पता चला अंडर 10 आ गए, 5 मार्क्स आ गए और 7 मार्क्स आ गए, व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है, अगली बार से उसका मन ही नहीं करता कि टेस्ट देने का, ऐसा बहुत बार होता है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए जब कुछ टेस्ट पेपर दिए और डिमोटिवेशन आ गया, मार्क्स ही नहीं आ रहा है? नहीं तो मैं तो कई बार ये भी सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट बोला कि मैं टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ, तो मैं तो यहाँ तक बोल देता हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ओपन क्लास नोट टेस्ट भी दो, सॉम का टेस्ट देने बैठे हो सॉम की बुक कॉपी को ओपन कर लो, उसके बाद भी टेस्ट सीरीज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पढ़ा है, हो सकता है तुरंत आपके दिमाग से अभी उतर गया हो इनिशियल स्टेज में, क्योंकि अभी आप दे रहे हो तभी आपका मार्क्स कम भी है, आप बुक को ओपन करो जो फैकल्टी ने पढ़ाया, क्लास नोट ओपन करो, okay. और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, लगता है डिफ्लेक्शन का ही क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला से बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ठीक है देख के बना के अप्लाई कर दी, उससे क्या होगा 2-3 टेस्ट आप वैसा करोगे मोटिवेट हो जाओगे, मार्क्स आ जाएगा ना, तो अगले टेस्ट से आपको खुद फील होगा भाई अपना क्लास नोट ओपन नहीं करना है, ओके अच्छे से रिवाइज करके बैठना है, जब मैं क्लास नोट ओपन कर लेता हूँ कंसेप्ट देख लेता हूँ बनाता हूँ तो क्वेश्चन बन जाता है, यानी मैंने अप्लाई करना जानता हूँ कैसे अप्लाई करना है,
लेकिन फॉर्मूला मुझे याद नहीं था, पता नहीं कंसेप्ट याद नहीं था। ये मेरे लिए नया चीज़ है, मतलब ये आपको लगता है कि ये काम करता है थोड़ा? बिल्कुल सर, क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को तो मैं नोटिस किया हूँ कि वो एकदम हड़बड़ी में जैसे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे टेस्ट देने बैठ जाएंगे, लेकिन जब टेस्ट देने बैठ गए ना तो उनको ना ब्लाइंड हो जाते हैं, कई बार तो आता वो चीज़ भी याद ही नहीं आ रहा है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका ये क्या आएगा, तो उनको लगता है अरे यार अभी कॉपी होता ना तो देख के बना दे रहा, कॉपी खोल लो नो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग के 2-4-5 टेस्ट में आप ऐसा करोगे आपको लगेगा बहुत अच्छा जा रहा है, मेरा फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, सीख ले रहा हूँ, सब कुछ कर ले रहा हूँ, बाद में उसको खुद फील होगा नहीं भाई जब मैं कॉपी खोल के बना रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, उससे अच्छे काम करता हूँ, इत्मीनान से कॉपी को पढ़ता हूँ भाई 4-5 बार तो फिर बनाता हूँ क्लोज करके, और सब चीज़ें क्लिक भी करेगी। तो डीमोटिवेट नहीं होना, कॉपी खोलो टेस्ट, एंड कुल मिला के ऐसा है आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, रुक के वैसे भी क्या कर लोगे, रुक ही जाओगे पूरा। ठीक है, ये गुड पॉइंट लगा मेरे को ये सर का, ये जो सजेशन था, ठीक है, ये कभी नीड रहेगी तो मैं भी अपने स्टूडेंट लोगों को ये वाला सजेशन दूंगा, ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट सजेशन था, इज वेरी गुड, क्योंकि रुकने से अच्छा है कि एक स्टूडेंट का मार्क्स नहीं आता है तो टेस्ट नहीं देता है और उसको लगता है कि मेरा क्या ही होगा तो छोड़ो, तो ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मार्क्स आ जाए, ठीक है, ओके। और अगर मैं एक और चीज़ बोलूँ कि आप जैसे अभी प्रोफेशनल और पर्सनल, हम लोग का क्योंकि गेट अकेडमी में सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं और हम लोग का ऐसा भी नहीं कि 9 to 5 वाली ड्यूटी है, क्योंकि मैकेनिकल की रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर है, तो ऐसा भी नहीं रहता है कि संडे हमारा ऑफ है, तो हम लोग जो मेन लोग है किसी का कुछ ऑफ तो होता नहीं है, तो मैं सभी लोगों से आला, जो जितने लोग भी है सभी लोगों से आला क्वेश्चन करता हूँ कि कैसे कैसे इसको बैलेंस कैसे करते हैं, कि प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं, मतलब ये जो मोटिवेशन वाला पार्ट है इसको पर्सनल लाइफ में या फैमिली वाले पार्ट में कैसे कैसे यूज करते हो? देखिए सर, पहली बात तो मैं मैरिड हूँ, तो अभी मैरिड है और मेरे से ज़्यादा बिजी आप रहते हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं रात के 12 बजे तक शूट कर रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि 1 बजे मैं चला जाऊँगा, आप 4 बजे जाएंगे इस टाइप का, तो कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में ना प्रेशर तो होता कहीं ना कहीं कि टाइम की कमी है या थोड़ा कम टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं या कहीं घूमने जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं बैलेंस, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि टाइम मिलता है और इंसान को जब ना कम टाइम मिलता है तो उसको टाइम को ना वैल्यू समझ आता है, जैसे मान लीजिए मेरे को मेरी वाइफ के साथ या मेरी मम्मी पापा के साथ टाइम मिल रहा है और वो कम टाइम मिल रहा है, उनको पता है कि ना 3 दिन का ही मेरे पास टाइम है फ्री टाइम, तो उस 3 दिन में ना 30 दिन का एंजॉयमेंट होता है मैक्सिमम, एक्चुअली क्वालिटी टाइम यूज करना होता है, तो मेरा यही मानना है कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो ऐसा होता है ना कई बार तो हम लोग स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं तो हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, कॉलेज भी लोग बंक मार देते हैं, पूरा घूम रहे हैं, सुबह से गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, रात तक घूम रहे हैं, कोई सेंस नहीं है सर, आप क्वालिटी टाइम हो, 3 दिन का ही टाइम हो, अच्छा स्पेंड करेंगे, अच्छा घूमना है, अच्छी जगह घूमने जाओ तो सब चीज़ मैनेज हो जाता है, और वैसे भी सबसे बड़ा तो पैसन है, जैसे कि अगर मैं रात को 2 बजे तक काम कर रहा हूँ, शायद अगर मैं IT सेक्टर में जॉब करता या फिर जहाँ मैं पहले जॉब कर रहा था नॉर्मल किस इंडस्ट्री में कर रहा था, मैं स्टील प्लांट में जॉब कर रहा था, तो वहाँ फिर ऐसा होता था कि मेरा भी टाइम हुआ, फिर मैं ऐसे घड़ी देखा अच्छा मेरा तो हो गया टाइम हो गया, बोले कल देखेंगे, हाँ, तो मेरा सीनियर अगर मुझे अगर कुछ बोले कि आज रुकना है एक्स्ट्रा तो मैं पहले से बहाना सोच के रखूँगा कि आप मेरा तो हो गया टाइम, कल ही आना करके, लेकिन यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है मेरा, तो इंटरेस्ट है तो फिर पैसन है तो उसके बाद फिर ऐसा कुछ नहीं, मज़ा यहीं पे आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो काम करते रहो करके, ठीक है सर। एक और चीज़ है कि अभी हम देख रहे हैं कि डे बाय डे ऑनलाइन वाला पार्ट जो है डे बाय डे उसका ग्रोथ होते जा रहा है पूरे इंडिया में, दुनिया में ही हो रहा है और इंडिया में तो स्पेशली देखने को मिल रहा है, आज से 5 साल पहले ऐसा था नहीं ऑनलाइन का, फिर अभी हम लोग मैकेनिकल का लास्ट टाइम मेरे को याद है कि पेन ड्राइव और जी ड्राइव कोर्स निकालने का शुरू में नहीं था, सिर्फ ECW और IN का निकालने का था, मैकेनिकल सिविल का स्टार्टिंग में प्लान नहीं था, फिर लगभग हमारा लॉन्च भी हो चुका था, है ना, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था इतना कंटिन्यूसली, आपके पास आ रहा था सिविल में, अमित के पास आ रहा था कि सर हम लोग के लिए बनाइए, सर कैसे भी करके मैनेज कीजिए, तो वो जो टाइम था जिस टाइम में हम लोग एक कोर्स पूरा का पूरा डिज़ाइन किए, बहुत ही कम टाइम में डिज़ाइन किए, रात रात भर शूट किए, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए स्टूडेंट लोगों को, पता चले कि वो जो टाइम था जिसमें मेरे को लगता है कि हमको ये नहीं पता चला कि कब डे हो रहा है, कब नाइट हो रहा है, कब रात के 3 बज रहे, कब 2 बज रहे, कैमरामैन कब घर जा रहा है, कब घर नहीं जा रहा है, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता था, तो मैकेनिकल और सिविल के लिए स्ट्रगल ज़्यादा इसलिए था क्योंकि हम लोग लेट प्लान किए, क्योंकि प्लानिंग का पार्ट था नहीं, और उसके बाद जब प्लान किए और पूरा ख़त्म भी करना था और टाइम पे पहुँचाना भी था, तो उस समय का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। बिल्कुल, मेरे को तो आज भी याद है, फर्स्ट डे हम लोग आपके केबिन में बैठे हुए थे तो आप एक बार पूछे कि सर सही में हम लोग कर लेंगे क्या,
हाँ मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि आपका ये प्लान है, आपने आपने एक चीज़ बोला कि सर देखिए अभी क्या है गेट एकेडमी पे स्टूडेंट मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं यूट्यूब चैनल पे, और अगर मैं हाँ बोल दूँ लॉन्च कर दूँ और आप लोग अगर नहीं कर पाए तो ये मेरे लिए बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं फॉल्स प्रॉमिस नहीं करता, किसी को झूठा प्रॉमिस नहीं करता, मैं बोल दूँ आ जाएगा बाद में ना आए। तो उसी दिन हम लोग बात किए थे कि नहीं सर आप लॉन्च करिए, हम लोग पूरा साथ देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, डे हो नाइट हो, क्लास डे में भी होगा तो नाइट में शूट होगा, चाहे 3 बज रहा हो चाहे 4 बज रहा हो। तो हमारी कैमरामैन की जो टीम थी बहुत ही अच्छे हैं सभी लोग, ऐसे नहीं कि किसी का अगर डे हो गया तो नाइट नहीं करेगा, वो भी नाइट में करेगा, और जितने फैकल्टीज़ हैं सभी बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ सिर्फ लेडी फैकल्टी को छोड़ के, तो जितने भी हम लोग मेल फैकल्टी हैं तो वो सब क्या है कि पूरा थ्रू आउट, जैसे मैं हो गया, अमित सर हो गए, वेणु सर भी बहुत ज़्यादा, मतलब रात में ही शूट रख रहे हैं, अपना पूरा कर रहे हैं, तो हर कोई मतलब ना कोई टाइम देख रहा है, कनिष सर हो गए, चाहे दीपराज सर हो गए, कोई भी हो गया, सभी के सबको ने सिर्फ ये मतलब है कि हमको कोर्स जल्दी पहुँचाना है, क्योंकि प्रॉमिस किए थे, प्रॉमिस किए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉमिस ढांडे सर किए हैं, तो सर भाई वो तो सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर स्टूडेंट कोई दो बात बोलेंगे भी तो सर को बोलेंगे, ऐसा नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की है, क्योंकि हम लोग अगर पहुँचाना है। हाँ कुछ दिन लेट भी हुआ स्टूडेंट को, सेकेंड पीडी में हुआ भी, क्योंकि हम लोग को शूट करना था और कंटेंट अच्छा देना था, तो उसके लिए तो मैं थ्रू आउट इंडिया से सॉरी भी बोलता हूँ स्टूडेंट लोगों को कि हाँ हुआ, पहली बार हुआ, राइट। लेकिन ऐसा नहीं, अगर हम लोग चाहते तो कोर्स को ना बहुत छोटे में कर सकते थे, जिस सब्जेक्ट को मैं 50 घंटे पढ़ाने वाला था, मैं चाहता तो 25 घंटे में भी कंप्लीट कर सकता था उसको, 30 घंटे में भी कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा कंप्लीट करना है, चाहे 50 घंटा हो, 60 घंटा हो, किसी को 90 घंटा कंप्लीट करना हो, तो कंटेंट से हम लोग वो नहीं करेंगे, ठीक है डिले जाएगा, 4 दिन डिले जाएगा, 6 दिन डिले जाएगा, लेकिन मिलेगा पूरा, पढ़ेंगे वो पूरा, एंजॉय करेंगे पूरा, यानी अल्टीमेटली अच्छा चीज़ उनको मिलना चाहिए 4 दिन रुक के। और वो मेरा हमेशा मानना है, क्योंकि मैं देखा हूँ कि लास्ट 2019 का जो पूरा टाइम गया है, किसी की क्लास है और उसको रिकॉर्ड करना है तो दिन में क्लास ले रहा है, रात में वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो ऐसा होता था ना कि मतलब एक व्यक्ति 14 to 15 hours भी इंगेज रहा है, तो कई बार बाहर से जो लोग देखते हैं उनको पता नहीं चलता है, और उन लोगों को लगता है कि इतना वर्क कोई क्यों करेगा, क्योंकि कोई भी जब भी कोई प्रोफेशनली किसी के लिए काम करता है तो 8-9 hours के ज़्यादा फिर उससे होता नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है गेट एकेडमी में कि सभी लोग, वो चाहे वो एडिटर जोन में है, जब नीड पड़ती है तो लोग रात भर काम करते हैं, कैमरामैन टीम हो, तो चाहे फिर फैकल्टी में हम लोगों का तो क्लास सुबह 6 बजे से रायपुर में रहता था, तो सुबह 4:30 बजे सो के उठे, 6 बजे से क्लास स्टार्ट किए, फिर वो मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे सो के उठे, रात में वापस 2 बजे घर पहुँचे, और ऐसा एक दिन ऐसा बहुत दिन बहुत बार महीनों कई बार मतलब मॉर्निंग में मैं 4 बजे, कई बार मैं खुद स्टेटस फेसबुक में डाला हूँ, आप भी मेरे को लगता है कई बार डाले हो कि मॉर्निंग ही हो गई करके, तो मेरे को याद है। मेरे को ये बताइए कि एक स्टूडेंट का पॉइंट ये रहेगा कि सर एक मैकेनिकल का कोर्स अगर मेरे को लेना है तो मैं इतना ट्रस्ट क्यों करूँ आप पे, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट क्यों करूँ, और एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछता हूँ कि ऐसे कौन से पैरामीटर है जिस पे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आपका कोर्स परचेस कर लूँ। सर देखिए सबसे पहली बात तो है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं, अगर आप यूट्यूब चैनल को अगर देखते हैं फॉलो करते हैं तो उनको पता होगा ढांडे सर अगर कुछ प्रॉमिस किए हैं तो प्रॉमिस से आपको 10% ज़्यादा मिलेगा लेकिन 2% कम नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात जो मुझे ऐसा लगता है कि गेट अकेडमी जो प्रॉमिस कर दिया है वो फुल्ली करना चाहिए। दूसरी बात ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, आप गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाइए, देखिए बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप किसी भी वीडियो को रैंडमली उठाइए, हम लोग ऐसा नहीं बोलते ना ट्रेलर के लिए एक या दो वीडियो नहीं डालते हैं कि हाँ ठीक है एक वीडियो को बहुत ही अच्छा शूट करके डाल दिए हैं वो थ्रू आउट ईयर दिखाते रहेंगे स्टूडेंट लोगों को वेबसाइट के ऊपर, इसको देखिए और कोर्स को परचेस करिए, एक नहीं है ऑलमोस्ट कोर्स का 30% डाला होगा, 40% डाला होगा इतना तो बहुत सारा डाला होगा, हम लोग कंटिन्यूसली वीडियो डालते रहते हैं, रैंडमली किसी वीडियो को देखिए, और आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे कोचिंग स्टूडेंट में पढ़ रहे हैं, आपको ना बाकी जगह से बेटर लगेगा, 2% ही बेटर लगेगा जरूर, और 2% तो कम बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा, तो आप जब देख लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, खरीदना है तो सिर्फ गेट अकेडमी का खरीदना है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, जो जितने भी स्टूडेंट खरीद चुके हैं उनका मेरे ख्याल से यूट्यूब पर या तो उनके खुद के आईडी पर उन्होंने डाल रखा है, या तो गेट अकेडमी ने उनके तरफ से डाल रखा है उनका रिव्यू, फीडबैक वाला पार्ट जो है, प्रोडक्ट उनको कैसा लगा, पेन ड्राइव कितना अच्छा उनको मटेरियल मिला, कितना अच्छा पैकेज मिला, कितना अच्छा वो इंटरफेस मिला, कितने अच्छे फैकल्टी सपोर्ट किए, रात को 2 बजे भी कोई स्टूडेंट अगर डाउट पूछे तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं जगा हुआ हूँ तो रिप्लाई करें, हाँ रात को 2 बजे रिप्लाई कर दूँ, ऐसा नहीं सोचता। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ कि किसी लड़की का डाउट आया, उसने मुझे शायद कॉल लगाया, तो फिर मैं हुआ कि रात को ना 1 बजे, अब कई बार ऐसा होता टाइम नहीं देखते हम लोग, जगह हुए 1 बज रहे 2 बज रहे देखे नहीं, तो मैं ऐसे कॉल लगा दिया, तो फिर मेरी वाइफ बोली रात को 1 बजे लड़की कॉल लगा दी,
इस टाइप का, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, अब मेरे को क्या पता रात को 1 बजे रह करके, भाई मैं तो अपना पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कल सुबह मुझे प्रिपेयर करना, कुछ अच्छा बनाना, आउटकम देना है करके। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हम लोग इस बारे में सोचते हैं कि रात को 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, लड़की है चाहे लड़का है, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका डाउट है, उसने पूछा, उसको बताना, उसको हेल्प करना, बस। ये मेरे को पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में लोग काम करते हैं, अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, लोग टाइम होने के बाद फिर कॉल वॉल नहीं उठाते, मतलब कुछ अर्जेंट भी होने से ना बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ तो वो लोग ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करते। अपने 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 एकेडमी में ये एक अच्छा चीज़ है कि कोई स्टूडेंट अगर कुछ डाउट पूछ रहा है, रात का 2 बज रहा है, 1 बज रहा है, लोग लेकिन लोग बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं भी करेंगे तो हो सकता है मेरे को ना पता चले, कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन सब लोग अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से उस वे में लेते हैं कि ठीक है, ये हम लोग की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको एक गुड फॉर्म में एक मैसेज जाना चाहिए। हाँ, हालांकि ऐसा भी होता है कि कई बार डे में ना 8 घंटे की क्लास है, 10 घंटे क्लास है, अब उस 10 घंटे में किसी का व्हाट्सअप मैसेज आ गया, कुछ ऐसे मैसेज आ गया जो बहुत नीचे चला गया, तो हो सकता है उसको अगले 3 दिन तक में उतना नीचे गया नहीं, व्हाट्सअप पढ़े नहीं, तो 3 दिन की रिप्लाई, 3 दिन के बाद ही रिप्लाई मिले, तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। तो वैसे लोगों को मैं सॉरी भी बोलना चाहूंगा, कई बार एकाध के साथ ऐसा हो जाता है, सबके साथ नहीं होता, लेकिन कभी नहीं, मेरे साथ भी होता है, मैसेंजर में मेरे को इतने सारे मैसेजेस आते हैं, अब जैसे न्यू ईयर था तो इतने सारे लोग हैप्पी न्यू ईयर बोले और मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम था तो मैं कुछ लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया होगा, कुछ लोगों को कर पाया होगा, ऐसा होता है लाइफ में कि हम लोग के पास है बहुत सारा इन जनरली काम है तो कई बार लोग थोड़ा बहुत कभी कभी इग्नोर हो जाते हैं, जानबूझ के तो हम कभी इग्नोर करते नहीं हैं लेकिन कभी कभी इग्नोर हो जाते हैं। तो मेरा वही है कि ऑनलाइन में बस ये है कि लास्ट ईयर हम लोग बहुत लेट निकाले थे तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कम थे क्योंकि हम लॉन्च ही बहुत लेट किए थे। इस बार पूरे स्टूडेंट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी, उनको अच्छे फॉर्म में मिलेगी, तो ठीक है इस बार देखते हैं कि एक ऑनलाइन का जो हमारा जो और रिव्यू है एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट का वो कितना और बेस्ट जाता है, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ और अच्छे जाएगा क्योंकि हम लोग कोर्स को थोड़ा अपग्रेड भी कर दिए हैं। आप देखेंगे मैं पर्सनली कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस शूट कर दिया हूँ। ओके हाँ, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैंने बढ़ा दिया है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बात कर लिया हूँ वीडियो में, तो मैं अपने सभी सब्जेक्ट में ऐसा कोशिश किया हूँ कि जितना और बेटरमेंट हो सके, भले वो 5% ही क्यों ना हो, 10% क्यों ना हो, लेकिन बेटरमेंट हो सके। इस साल जो कोर्स मिलेगा वो अपग्रेड होके मिलेगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, अगर आप देखेंगे सभी फैकल्टी कुछ लोग तो 20-20 घंटे ऐड कर दिए हैं, यानी सोचो इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद कोई स्टूडेंट ऐसा बोल रहा है कि इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, उसके बाद भी ऐड कर दिए, उसके बाद भी 20 घंटे ऐड कर दिए, यानी अपने साइड से पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, स्टूडेंट को बहुत मजा आएगा, और इस बार अगर पॉजिटिव आया था, प्लस आया था, तो अगले बार डबल प्लस आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने अच्छे से स्टूडेंट लोग लेते हैं। एक और चीज़ कि एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन में आप क्या मानते हो कि मतलब एक स्टूडेंट लोग को किस वे में लेना चाहिए, कि उसको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए, उसको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, इसको किस वे में आप सोचते हो कि एक स्टूडेंट का क्या व्यू होता होगा एक ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए या कोई ऑफलाइन क्लास उसके सिटी में, किसी भी सिटी में रहता हो तो क्या क्या पैरामीटर्स वो चेक करता होगा? सर, पैरामीटर्स मुझे तो लगता है कि सबसे पहला तो उसका होता है कि अवेलेबल क्या है उसके पास। अगर वो किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे ऑफलाइन है ही नहीं, तो उसका मन कितना भी उससे कुछ हो ही नहीं सकता, उसको तो ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। और ऑनलाइन अगर जा रहा है तो मेरे ख्याल से अगर वो बेस्ट इंस्टीट्यूट का जाए तो उसका ना तो पैसा बर्बाद होगा, ना तो उसका 1 साल का टाइम बर्बाद होगा, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर किसी के इंस्टीट्यूट में, अगर किसी के एरिया में अगर ऑफलाइन अवेलेबल है तो उसको ना पहले कंपेयर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफलाइन में अच्छा होता है। मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि 5% जो होगा ऑफलाइन में, अगर गेट अकेडमी का कोई पेनड्राइव खरीदा हुआ स्टूडेंट है और गेट अकेडमी की ऑफलाइन क्लास में अगर आके बैठा हुआ मेरे साथ, तो उसको क्या प्लस मिल जाएगा कि वो पढ़ने के बाद डाउट जो होगा ना तुरंत मेरे से मिल, वन टू वन जो इंटरेक्शन होता है ना, एक्चुअली वन टू वन इंटरेक्शन, यानी क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते में क्या तुरंत वो पूछेगा, तुरंत खड़ा होगा, तुरंत पूछेगा, तो 5% एक्स्ट्रा हो जाता है उसके लिए। हो सकता है उसको तुरंत कोई ऐसा डाउट अराइज हो गया जो तुरंत वो पूछ दे, और थोड़ा सा ना ज़्यादा एक्टिव होते हैं स्टूडेंट, भी ज़्यादा एक्टिव होता है, फैकल्टी भी ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि दोनों को रेस्पॉन्ड करना तुरंत का तुरंत, तो स्टूडेंट भी लेजी नहीं हो सकता और फैकल्टी भी नहीं हो सकता, दोनों एकदम अलर्ट रहते हैं, तुरंत इंटरेक्शन करना है, इसलिए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को अगर ऑफलाइन अगर उनके एरिया में है तो भाई पहले चेक कर ले अच्छा है कि वो ऑफलाइन सही में अच्छा है कि नहीं। हाँ, चेक करने का तरीका है हमारे कुछ वीडियोस को यूट्यूब पे देख ले और कंटेंट चेक कर ले, कॉपी देख ले, नोट्स देख ले, किसी सीनियर से कॉपी ले ले, फ्रीडम क्लियर तो जाके अटेंड कर ले, चेक कर ले, लगता है कि हाँ बहुत डोमिनेटिंग है हमसे, हमारे पेन ड्राइव से बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ कि आप पेन ड्राइव मत लो, वहीं ज्वाइन करो, लेकिन बट मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, ऐसा होगा क्योंकि हम लोग इसलिए भी नहीं मानता हूँ क्योंकि हम लोग का जो इनपुट है
हम लोग की जो प्लानिंग है, जो इनपुट है, वो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रखी गई है, सिर्फ उस बेसिस पे नहीं रखी गई है कि स्टूडेंट लोगों को कम आवर्स में अपने को ख़त्म करना है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने किसी भी तरीके से ट्रैप करना है। अपना अपना क्लियर है, मतलब आप जानते होगी बिल्कुल हम लोग का एक पॉइंट तो क्लियर है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि स्टूडेंट लोग क्या चाहते हैं। जैसे जैसे आप बोल भी रहे थे कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा है, तो आज सुबह सुबह जब 6 बजे क्लास लेने गया, क्लास से निकला तो एक मतलब दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से किसी स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मैं मतलब क्लासरूम स्टूडेंट हूँ और मैं इंडस्ट्रियल क्लास नहीं कर रहा हूँ करके, क्लास नहीं जा और रहा हूँ नहीं करके। जा रहा हूँ, और मेरे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना क्लास नहीं जाते हैं। मैं बोला क्यों? तो सर आपका जो जो इंडस्ट्रियल आपने जो डाला है यूट्यूब पे, ठीक है, उसको हम पूरा फॉलो करते हैं, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बाकी बचे हुए लेक्चर्स हैं वो भी डाल दीजिए, वो भी डाल कंप्लीट कर दीजिए, दो। ताकि सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए और कहीं जाना ना पड़े उसके लिए। तो मैं ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि सर क्लास जाने से और आपके वीडियो देखने में, मतलब आपके वीडियो के सामने क्लास कुछ भी नहीं है, यानी आपके वीडियो के 50% भी क्लास में नहीं मिल रिकॉर्ड कर पाएगा, लेना था आपको। रिकॉर्ड कर लेना इस टाइप चाहिए का। था। तो वो फीलिंग होता है। जैसे आप देखेंगे मैं क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क पढ़ाया हूँ, मेरे ख्याल से जो कि गेट में मैकेनिकल का पार्ट है, उसके बाद सिविल में भी वो पार्ट है, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के नॉन टेक में भी वो पार्ट है, ओके इतने सारे में पार्ट है। आप देखेंगे उस वीडियो पे यूट्यूब में इतने सारे स्टूडेंट कमेंट किए होंगे जो बाहर बाहर बड़े दिल्ली हैदराबाद बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, वो बहुत सारे फैकल्टीज भी कई बार बोलते हैं कि मतलब आज तक कभी नहीं समझ पाया, ये वाला टॉपिक पहली बार ही समझे करके इस टाइप का, ठीक है, गुड तो है। वो पार्ट। और यही चीज़ मेरे को तो बहुत इंस्पायर करती है पढ़ाने के लिए टीचिंग। ऐसा लगता है कि मतलब इतने सारे लोग मतलब फेथ रखते हैं, इतने सारे लोग बिलीव करते हैं ना, तो बिलीव कभी टूटना नहीं चाहिए। मतलब मैं कभी भी सोचता हूँ रिकॉर्ड करने से पहले कि अगला लेक्चर जो हो वो इतना अच्छा हो कि ना इससे भी ज़्यादा बेटर हो। बिल्कुल, क्योंकि ना इंडिया में स्पेशली जो बिलीव वाला जो पार्ट होता है बड़ा डिफरेंट है। इंडिया में लोग प्यार भी एक लिमिट से ज़्यादा करते हैं, और फिर अगर चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो तो फिर वो अपोज भी एक लिमिट से ज़्यादा करते हैं। तो ट्रस्ट वाले पार्ट को मेंटेन करना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि मैं तो इस बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मतलब कोई अगर ट्रस्ट कर रहा है तो उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक्चुअली किसी का भी ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई अगर ट्रस्ट करता है तो उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप मेरे को ये बताइए कि इतने सारे स्टूडेंट लोग, क्योंकि मैं देखते रहता हूँ गेट गेट में मैसेज आते रहते हैं आपके लिए स्पेशली, आपको आपका लाइकिंग जो मोड है, और मैकेनिकल जो स्ट्रीम है थोड़ा सा बाकी स्ट्रीम से अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल सिविल इन सब से अलग है। मैकेनिकल के स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस अलग होता है, उनका उनका जो एक एक अलग ही फीलिंग होता है, वो मैं उतना नहीं समझता होगा वो फीलिंग, क्योंकि आप मैकेनिकल को पढ़ाते हो, मैकेनिकल के स्टूडेंट रहे हो, तो आप वो फीलिंग जानते होंगे। तो कोई ऐसा स्टूडेंट का कोई भी ऐसा कोई कमेंट्स आपके लिए जो आपको बहुत ऐसा मेमोरेबल लगा हो, जो आपको लगता है कि कोई बहुत ही अच्छा आपके लिए कभी लिखा हो, या आपको कोई पर्सनल कॉल करके बोला हो, या कोई पर्सनल मैसेज किया हो, जो आपको आपको हमेशा याद रहने वाला है, ऐसा कुछ भी? सर ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, बहुत बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन मैं जो एकदम स्पेशल अलग टाइप का जो उसको याद रखा हूँ उसको मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं कलकत्ता में क्लास लेने गया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं फ्रीलैंसिंग करता था तो बहुत ज़्यादा पढ़ाता था, दिन रात पढ़ाते रहता था इस टाइप का। तो वैसे कंडीशन में गया तो मैंने नोटिस किया कि मेरे क्लासरूम में एक मतलब नियर अबाउट 45 एज के आसपास या 50 एज के आसपास कोई पर्सन है जिनके हेयर वाइट हो गए हैं और फर्स्ट बेंच पे बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं। मैं पूरा 8 या 9 घंटे की क्लास पूरा लिया, लेकिन मैं पूछा नहीं क्या प्रॉब्लम है करके। फिर नेक्स्ट डे फिर पढ़ाया, फिर पूरा बैठे हुए थे, फिर लास्ट में उनसे वो खुद आके मुझसे कुछ डाउट पूछे, तो मैंने बस इतना पूछा, मेरे मन में था मैं मोटो जानता हूँ कि मतलब इस एज में 40-40 बाल भी वाइट हो गए, इस एज में क्लास करने आ रहे हैं वो भी मेरा, मतलब क्यों, वाई वाई रीज़न क्या करके, आखिर क्या करना चाहते हैं करके। तो फिर उन्होंने बोला सर एक्चुअली मैं खुद भी एक फैकल्टी हूँ कलकत्ता के किसी कॉलेज में, मैं प्राइवेट कॉलेज में खुद भी फैकल्टी हूँ, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं मेरे स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पढ़ने आते हैं, और ये सब्जेक्ट में अभी आप यहाँ पढ़ा रहे हो और वो स्टूडेंट जो है मैं उनको पढ़ाता था। तो मैं दिखता था जैसे ही मैं क्लास में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे से बहुत आगे रहते, तो मैं उनसे डिस्कस किया तो वो बोले कि सर हमारे यहाँ गेट कोचिंग में जाते हैं तो मुकेश सर पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं इस टाइप का। तो वो उनसे जब बात हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा कंसेप्ट उतना अच्छा नहीं है, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, आप मेरे से एज में हो सकता है हाफ होंगे या हो सकता है थोड़े कम होंगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा बाल वाइट हो गया, मेरा एज ज़्यादा है, बाकी के स्टूडेंट मुझे क्या बोलेंगे कि भाई अंकल आके पढ़ रहे हैं क्या इस टाइप का, मजाक कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है, ताकि मैं चाहता हूँ कि जब आप 9 घंटा बिना किसी कागज़ बिना किसी पेन के बिना किसी नोट्स को लेते हो, 8 घंटा लगातार पढ़ा देते हो, इतना कॉन्फिडेंस है आपको, सब चीज़ याद रहता है, तो मैं भी उस
ट्रेंड को फॉलो करूं, यानी मैं तो 50 वर्ड भी पढ़ा नहीं पाता हूं, जितना लिख के जाता हूं बुक के देख के उतना ही बोर्ड पे लिख पाता हूं। अगर मुझे कोई बोल दे अचानक से एक लेक्चर और इंगेज करना है तो फिर मेरे को बोलूंगा भाई आज मैं लिखा ही नहीं, आज नहीं हो पाएगा। लेकिन सर आप 10 घंटा पढ़ा देते इस टाइप का बिना कुछ देखे, तो इतना मेमोरी आप कहाँ से स्टोर करते हैं? तो मैं धीरे धीरे कंसेप्ट वैसा बनाऊंगा और वैसा इंप्रूव करूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बोले सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे पढ़ के इतना कॉन्फिडेंस जो है मैं जनरेट करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि लोग बहुत अप्रिसिएट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और वो एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेने आए थे, लेकिन वो कोचिंग उनको सब्जेक्ट वाइज क्लास नहीं देता था, बोले आप एक लीजिए चाहे पूरे लीजिए, आपको पैसे तो पूरे कोर्स के भरने पड़ेंगे। तो उन्होंने एक सब्जेक्ट के लिए पूरे सिलेबस का पैसा भरा। गलत बात थी, बट ठीक है सर, ठीक है। मैं तो उनके मतलब वो उनके उनके उसमें नहीं होगा, उनके में सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि एक कोचिंग सब्जेक्ट वाइज नॉर्मली नहीं प्रोवाइड करती, इट्स ओके। तो वो सर का जो भी सर पढ़ते थे उनका एक्सेप्टेंस वाला पार्ट गुड है। बहुत सारे लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, सभी को प्रॉब्लम होती है, सभी का कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट रहता है, लेकिन लोग का एक्सेप्टेंस वाला पार्ट जो होता है बड़ा वीक होता है। तो मैं ऐसे लोगों को हमेशा अलग वे में लेता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, जो लोग एक्सेप्टेंस वाला पार्ट को लेते हैं कि ठीक है मेरा नेगेटिव पार्ट है मैं, लेकिन इसको ठीक कर लूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी उनको बोला बिल्कुल आप कंसेप्ट पे फोकस करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखिए। और अभी भी कई बार हल्का फुल्का बात होता था, बोले नहीं सर अब मैं एकदम बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ और इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छा डील करता हूँ। तो फील होता है, अच्छा फील होता है, मतलब हमारे वजह से कोई बहुत अच्छा कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अभी लास्ट में एक दो क्वेश्चन और मैं करता हूँ कि अभी आप जैसे पूरा गेट एकेडमी में मैकेनिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली हुई है, तो आने वाले समय में आप क्या प्लान करके रखिए, जो 2020 में पूरा जो 1 ईयर की जो हमारी जर्नी रहेगी, मतलब जो 2021 के एस्पिरेंट है या 2022 के एस्पिरेंट है, और ऐसा कुछ भी जो आप सोच के रखे हो कि और भी सर बेटर करेंगे, ऐसा कोई प्लानिंग? हाँ सर, सभी चीज़ में ऐसी प्लानिंग है। जैसे मैं बोला कि हम लोग कोर्स को अपग्रेड किए हैं ऑनलाइन कोर्सेज में, तो ऑनलाइन में हम लोग ना, जैसे मैं बच्चों को ऐसा बोलता भी हूँ कि गेट अकेडमी में हम लोग ना सरप्राइज़ रहेगा कुछ चीज़ें आपके लिए। जैसे आपको कोर्स तो मिला हुआ है, उसके अलावा भी आपको ना सडनली आप जब प्रिपेयर करते रहेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन के फॉर्म में हो, चाहे वो कुछ अलग प्रैक्टिस के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो आपको PDF के फॉर्म में हो, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलते रहेंगी, बहुत ही अच्छा होता रहेगा। दूसरा, टेस्ट सीरीज़ जो आप मिलेगा इस बार स्टूडेंट लोगों को, वो बहुत अपग्रेड होकर मिलेगा इस बार का जो भी, उससे और भी ज़्यादा अपग्रेड होकर मिलेगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और टेस्ट सीरीज में इस बार बहुत ही अच्छा हम लोग प्लानिंग करेंगे कि हम लोग ना खुद से फैकल्टी लोग पूरा डील करें, वीडियोस में आए, क्वेश्चंस जो लेवल होंगे ना और भी बेटर करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट को डे बाय डे और भी बेटर हमको प्रोवाइड करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे फिर हमारा स्टडी मटेरियल हो, एक स्टूडेंट जब देखे तो उसको बहुत ही गुड फील होना चाहिए। ठीक है, तो 2020 में जैसे अपनी मीटिंग होती भी रहती है, तो ठीक है आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैकेनिकल की जो इंडिया के इतने सारे स्टूडेंट जो मतलब हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग बहुत बेटर देंगे, तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से लीजिएगा। और YouTube का जो पार्ट चल रहा है वो तो हमेशा चलते रहेगा, हमेशा अपग्रेड होता रहेगा, कोर्स कंटेंट उसमें और आते रहेंगे, और बाकी चीज़ें जो क्वेश्चंस वगैरह है, कंसेप्ट है, उनको तैयार करने का जो प्लानिंग है, सभी चीज़ें आते रहेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कि एक गेट 2020 जितने लोग देने वाले हो, तो उनके लिए कोई मैसेज कि अभी अपना लास्ट मोमेंट चल रहा है उनका, तो उनको अपनी प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट में करना चाहिए, उनके लिए कोई मोटिवेशनल कोई मैसेज आपका जो कि उनकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा प्लस ऐड कर सके? तो सर मैं कुछ फ्यू पॉइंट्स बोलना चाहूँगा, जिसमें से सबसे पहला तो है कि आपने बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, सबसे पहली बात तो ओवर थिंकिंग मत रखिए, क्योंकि आपको जितना आता होगा, आप जितना सीखे ना, आप उतना ही स्कोर कर पाएंगे। आप अगर टेंशन ले लेंगे तो ऐसा नहीं कि आप 10 नंबर स्कोर करने वाले हैं तो आप 100 नंबर स्कोर कर देंगे, आप टेंशन ले लेंगे तो हो सकता है उस दिन आप सुबह सो के उठेंगे भी नहीं, टेस्ट देने जाएंगे भी, वैसा हो जाएगा। तो पहला वो हो गया। दूसरा है कि आप अपना डायरेक्ट अप्रोच में जाइए, अभी आपके पास टाइम नहीं कि बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप सीधा सीधा ना फॉर्मूला अप्रोच में जाइए, क्वेश्चंस को लगाइए, टेस्ट सीरीज को दीजिए, बना के देखिए, अपना को इम्प्रूव करिए और क्वेश्चन जाके सीधा गेट एग्जाम में बनाइए। तीसरा, किसी सब्जेक्ट को छोड़ने की कोशिश मत करिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर वो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो थोड़ा सा FM जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी लगता है कई बार, सॉम के कंपैरिजन में या थर्मो कंपैरिजन में किसी दूसरे, तो जैसे कि मान लीजिए FM जो है, सॉम जो है, या फिर जियोटेक हो गया, RCC हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, OCF हो गया, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका हम लोगों ने क्विक रिवीजन प्रोवाइड कर रखा है, 3-4-5 घंटे के आसपास का है। अगर उस सब्जेक्ट को आप क्विट करने वाले हैं, मैं सजेस्ट करूंगा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्विक रिवीजन तो एटलीस्ट देख लेना चाहिए, बस 5 घंटा आप देखिए, क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, सीधी सी बात है। आप आराम से देखिए, उसमें कंसेप्ट है, फॉर्मूला है,
फॉर्मूले को कैसे लगाना है क्वेश्चन पे वो भी बात किया हुआ है। आराम से देखिए, जाके आराम से बनाइए, क्वेश्चन आपसे बनेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप टॉपर नहीं बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप 30 नंबर की प्लान किए हुए, 30 नंबर आने वाला होगा तो 50 तक पहुंच सकता है, ठीक है। टॉपर बने ना बने, 10-20 नंबर को आप बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। एक लास्ट बस स्टूडेंट के साइड से मेरा क्वेश्चन कि स्टूडेंट चाहते हैं कि जैसे आप मॉस का क्विक रिवीजन दिए हैं, सेम स्टूडेंट चाहते हैं कि हमको एफएम का चाहिए, प्रोडक्शन का चाहिए, इंडस्ट्रियल क्या चाहिए, तो क्या ऐसी प्लानिंग है कि उनको गेट के एग्जाम के पहले प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और एफएम मिल सके? देखिए, ऐसा है कि एफएम तो अभी उनको तुरंत मिल जाएगा। अभी जैसे जो कंप्लीट रिवीजन है वो उनको लगभग 6 या 7 आवर के आसपास का, एफएम का हार्डली 2-3-4 डेज में उनको मिल जाएगा हार्डली, ठीक है। इंग्लिश में भी और हिंदी में मिल जाएगा उनको, और साथ ही साथ प्रोडक्शन जो है उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे, भले वो थोड़ा शॉर्ट में ही हो लेकिन वो मिलेगा, उनको जरूर मिलेगा। नहीं, लेकिन प्रॉमिस चाहिए स्टूडेंट लोगों को, प्रॉमिस चाहिए आपके साइड से कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल आप उनको एग्जाम के पहले प्रोवाइड करने वाले। हाँ, क्योंकि रिविजन, हाँ देखिए, इंडस्ट्रियल का तो प्रॉमिस नहीं करूंगा क्योंकि इंडस्ट्रियल लास्ट ईयर 2000 हम लोग 19 वालों के लिए जो डाले थे वो डाला हुआ है, उसको सफिशियंट देख सकते हैं। हाँ, प्लस दूसरा बात क्या है, इंडस्ट्रियल का मैक्सिमम लेक्चर भी प्रोवाइडेड यूट्यूब पे फ्री में, तो पूरा देख सकते हैं, पूरा जैसे आप देखेंगे सीपीएम पर तो ऑलमोस्ट पूरा ही प्रोवाइडेड, आराम से देखिए इस टाइप ठीक है। तो इंडस्ट्रियल की नीड नहीं होगा, जरूरत नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग नहीं बनाएंगे इस बार। हाँ, प्रोडक्शन ऐसा है कि मैंने लेक्चर्स बहुत हद तक डाले हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं डाला है, तो मैं क्या करूंगा, जो मैं अभी बनाऊंगा क्विक रिवीजन के फॉर्म में उसमें पूरा कंप्लीट प्रोडक्शन को कवर करके, चाहे वो डिजिटल बोर्ड पे बनाऊंगा क्योंकि बोर्ड वर्क उसमें बहुत ज्यादा होता है। अगर स्टूडेंट को लगता है कि 5 घंटे का कंप्लीट रिवीजन है तो उस 5 घंटे को बनाने के लिए 50 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्विक रिवीजन मेरे को पता है कि बहुत ज्यादा एक लेंथी प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पहले से बोर्ड पे लिखना है, कंसाइज करना है, कंप्रेस करना है चीजों को, यानी पूरे 100 घंटे के सब्जेक्ट को 5 घंटे में स्टूडेंट को प्रोवाइड करना, बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल, तो देखो मैं स्टूडेंट के साइड से, आप लोगों का साइड से, आपके लिए प्रोडक्शन, देखो मैं इंटरव्यू करते करते आप लोगों के लिए प्रोडक्शन सब्जेक्ट गेट के पहले क्विक रिवीजन का प्रॉमिस ले लिया, तो सर को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपके एंगल से एक आपका एक सर से प्रॉमिस ले लिया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को इंजॉय कर सकते हो कि ठीक है मैं आपकी बात रख दिया, ठीक है सर। तो मेरे को बहुत मज़ा है, मतलब ये गेट पे चर्चा पे हम लोग का एपिसोड कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, तो बड़ा बड़ा आप क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से दिए और प्रॉपर वे में दिए एक स्टूडेंट को। मेरे को लगता है कि ये गेट पे चर्चा को लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी बात हम किए जहाँ पे चीज़ें उनको कुछ ना कुछ न्यू जानने का मौका मिला होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, कभी और टाइम मिलेगा तो एक आधी बार बहुत आराम से डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट आज का सेशन तो यही एंड करते हैं। सर, आपके साथ मिलके और आपके साथ भी मैं, मतलब हालांकि हम लोग तो बात करते रहते हैं, प्लानिंग चलता रहता है, लेकिन मतलब इस टाइप का प्लानिंग नहीं चल के, हम लोग हमेशा चीज़ों को अपग्रेड करने की प्लानिंग करते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो फर्स्ट टाइम हम लोग स्टूडेंट को लेके सब चीज़ बात इस टाइप से बात की हम लोग, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।